नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इसमें स्टेट क्या है कि जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या किसी एक्सटर्नल एजेंसी को ट्रांसफर नहीं होते हैं मशीन की, तो सभी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम ये कहें कि हाई टू लो भी ट्रांसफर होगी, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ए हीट इंजन कन्वर्ट एनर्जी, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ अ परपेचुअल सेकंड ऑर्डर मशीन। तो जो ये हीट इंजन कम्प्लीटली मैकेनिकल उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये विदाउट ये साइक्लिक प्रोसेस आइडियल प्रैक्टिकल कंडीशन पर पॉसिबल नहीं है कि 100% कन्वर्ट हो जाए। और जो क्लासियस ने स्टेटमेंट दी थी कि हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम इज नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल मशीन। अगर हम रेफ्रिजरेटर का केस वो करें, रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, सोर्स जो कि लो टेम्परेचर पर है और सिंक सराउंडिंग जो कि हाई टेम्परेचर पर है, हीट ट्रांसफर हो रही है सोर्स से सिंक को, तो वो बाई सेल्फ नहीं हो रही, उसके लिए एक एक्सटर्नल मशीन की हेल्प से ये प्रोसेस हो रहा है कि सोर्स से सिंक को सराउंडिंग को हीट जा रही है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी वो सेकंड लॉ में कवर होगी। फर्स्ट लॉ में क्या था कि डायरेक्शन की हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, लो से हाई या हाई से लो, वो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड लॉ में जस्टिफाई होगा कि जो हीट है वो हाई टू लो ट्रांसफ़र होगी। अगर लो से हाई ट्रांसफ़र हो रही है उसके लिए हमें उसको क्या है एक्सटर्नल मशीन की हेल्प लेनी होगी। जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके लिए हमें इसके चार मेन कंपोनेंट है, पार्ट है। फर्स्ट है हीट सोर्स, सेकंड हीट सिंक। हीट सोर्स क्या है, जो मैकेनिकल सब्सटेंस को, वर्किंग सब्सटेंस को हीट देगा, और हीट सिंक मैकेनिकल सब्सटेंस हीट सिंक को हीट रिजेक्ट करेगा देगा, हीट सोर्स से लेगा और हीट सिंक से हीट सिंक को देगा। और वर्किंग सब्सटेंस कौन सा होगा, जो मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करेगा, मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करेगा। ये हीट इंजन का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये वर्किंग सब्सटेंस होगा, वर्किंग सब्सटेंस, और ये सोर्स होगा जिसको T1 टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये हो गया सिंक जिसको T2 टेम्परेचर पर रखा हुआ, T2 लेस देन होगा T1 प्रैक्टिकल कंडीशन। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स जो कि सोर्स हीट रिजर्वायर है से हीट लेगा और उसे मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगा, और जो रिमेनिंग हीट है वो सिंक को दे देगा। अगर ये से Q1 हीट ले रहा है सोर्स से और W वर्क डन कर रहा है और Q2 हीट सिंक को दे रहा है,
तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हीट इंजन की, एफिशिएंसी क्या है, रेशो ऑफ टोटल वर्क डन बाय इनपुट हीट। तो एफिशिएंसी क्या होगी, नीटा इज इक्वल टू W बाई Q1। Q1 क्या है, इनपुट हीट जो वर्किंग सब्सटेंस को दी गई है मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए, और W कितना होगा, वर्क डन Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से नीटा आ गया Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो नीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस Q2 बाई Q1। और Q2 है वो कैन नॉट बी जीरो, अगर Q2 जीरो हो रहा है n क्या आ जाएगा वहां से, अगर Q2 को जीरो कर दिया इज इक्वल टू जीरो, नीटा क्या है 1 की जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या है 100%। और किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी प्रैक्टिकल कंडीशन पर 100% नहीं हो सकती, सो Q2 कैन नॉट बी जीरो की जो वर्किंग सब्सटेंस है कुछ ना कुछ सिंक को हीट देगा।